जो चाहोगे वो पाओगे, जो चाहोगे वो पाओगे, जो चाहोगे वो पाओगे। अरे महाराज जी, ये जो आप बोल रहे हैं, जो चाहोगे वो पाओगे, जो चाहोगे वो पाओगे, जो मैं चाहता हूँ क्या मैं वो पा सकता हूँ? हाँ बिल्कुल पा सकते हो, जो चाहोगे वो पा सकते हो, लेकिन तुम्हें क्या चाहिए? मुझे हीरे का बहुत बड़ा व्यापारी बनना है, क्या मैं बन सकता हूँ? हाँ बन सकते हो। वो कैसे गुरुजी? मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती दूंगा, उससे तुम चाहे जितने हीरे और चाहे जितने मोती बना सकते हो। अभी लड़का कुछ सोच ही रहा था तभी गुरुजी बोले, मैं तुम्हें जो एक हीरा दे रहा हूँ उसको समय बोलते हैं। समय का कभी भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय जो एक बार चला जाता है कभी वापस नहीं आता है, इसलिए समय का हमेशा उपयोग करना चाहिए, कभी समय गंवाना नहीं चाहिए। जी गुरु जी, मैं बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करूंगा, समय का उपयोग करूंगा। और दूसरा, जो मैं तुमको मोती दूंगा उस मोती को धैर्य कहते हैं, यानी कोई भी अगर आप काम करो उसमें जल्दी सफलता नहीं मिलती, हर सफलता में समय लगता है, तो हमेशा कोई काम करो उसमें धैर्य रखो, अगर धैर्य रखोगे तुम बड़े से बड़े परेशानी से बड़े बड़े से कामयाबी हासिल कर सकते हो। तो ये दो हीरो मोती हमेशा इसका पालन करना, तुम एक दिन हीरे के बहुत बड़े व्यापारी बनोगे, इन दो बातों का हमेशा ख्याल रखना। जी गुरु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ये जो आपने मुझको दो चीजें बताई हैं, हीरा और मोती यानी कि समय और धैर्य, इन दोनों को मैं बिल्कुल समय से उपयोग करूंगा, पालन करूंगा और एक दिन मैं हीरे का बहुत बड़ा व्यापारी बनूंगा और आपकी ये दोनों बातों हमेशा याद रखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आज बहुत खुश हूँ कि आपने मुझको आज ऐसी बातें बताई जिससे मैं अपना जीवन जरूर सफल कर सकता हूँ। दोस्तों, अक्सर हम लोग जो है कोई काम स्टार्ट करते हैं तो उसमें सोचते हैं बहुत जल्दी उसमें रिजल्ट आ जाए, लेकिन आप ध्यान रखिए, उसको समय दीजिए और उसका धैर्य से पालन करिए, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा।